हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिसेस नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर जो हम लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं उसके अगले टॉपिक पर बात करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण में कक्षकीय योगदान। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो हम बात पहले भी कर चुके हैं वहीं से हम इसे एक बार फिर शुरू करेंगे कि द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर द सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये बात हमने अपने हर लेक्चर में पढ़ी है कि जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कैसे पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण और कक्षकीय गति से। द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मटेरियल इज देन मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि कुल चुंबकीय आघूर्ण किसी भी पदार्थ का उसके दो घटकों से मिलकर बना है। एक है उसका स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि चक्रीय योगदान, और दूसरा है ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अर्थात कक्षकीय योगदान। बोथ फैक्टर्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो दोनों ही कारक हैं, इनकी उत्पत्ति का या इनके होने का मुख्य सोर्स है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। दीज आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड आर नॉट स्क्रीन बाय अदर इलेक्ट्रॉन। और ये वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्थात ये किसी और इलेक्ट्रॉन के द्वारा परिरक्षित नहीं होते। इन सच केसेस द स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन बिकम इम्पॉर्टेंट एंड ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मे बी नेग्लेक्टेड। तो इस तरह के केसेस में हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्य है, मुख्य योगदान है, वो चक्रीय योगदान है, और यहाँ हम कक्षकीय योगदान को नगण्य मान सकते हैं या उसकी हम उपेक्षा कर सकते हैं। व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लाई वेल विद इन द आयंस एंड आर स्क्रीन बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स द ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि यदि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आयन में बीच में स्थित हैं और बाह्य इलेक्ट्रॉन्स द्वारा परिरक्षित भी किए जा रहे हैं, तो उस स्थिति में ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन या कक्षीय योगदान को नगण्य नहीं माना जा सकता। इट मस्ट बी कम्बाइंड विद द स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन टू गिव द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। और यहाँ हमें कुल चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए या उसको ज्ञात करने के लिए इस कक्षकीय योगदान को चक्रीय योगदान के साथ जोड़ना पड़ता है या कंबाइन करना पड़ता है। किस तरह से इस कॉन्ट्रीब्यूशन को हम समझ सकते हैं? द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल्स। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स 3D ऑर्बिटल्स में उपस्थित होते हैं या 3D कक्षकों में पाए जाते हैं। अ ट्रांजिशन मेटल हैव 5 3D ऑर्बिटल्स विच आर डीजेनरेट। हम ये भी जानते हैं कि एक संक्रमण धातु में 5 3D ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि डीजेनरेट होते हैं या संभ्रंश होते हैं। एन इलेक्ट्रॉन पजेसेस एन एंगुलर मोमेंटम अलोंग अ गिवन एक्सिस इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म इट्स ऑर्बिटल बाई रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस इन टू अनदर ऑर्बिटल विच इज़ इक्वलेंट टू इट इन शेप साइज एंड एनर्जी। ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन में कोणीय संवेग तभी देखा जा सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन अपने जिस कक्षक में उपस्थित है वो अपनी धुरी या एक्सिस के चारों ओर रोटेट करके एक दूसरे कक्षक में चला जाए जिसकी की आकृति, जिसका आकार और ऊर्जा बिल्कुल समान है। देयरफॉर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दस फॉर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट
there must be two or more degenerate orbitals which can be interconverted by rotation about a suitable axis, and these orbitals must be unequally occupied. हम ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन या कक्षकीय योगदान के लिए हमारे पास ऐसे दो या ज़्यादा संभ्रंश कक्षक होने चाहिए जो घूर्णन द्वारा अपनी धुरी पर एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट या अंतर परिवर्तित हो सके, और ये अनइक्वली ऑक्यूपाइड भी हो सकते हैं. संक्रमण तत्वों में संकुलायन के चुंबकीय आघूर्ण को कक्षकीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को शून्य मान लिया जाता है, क्योंकि संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में होते हैं जो संकुल आयन द्वारा घिरे होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी कक्षकीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उनके चारों ओर उपस्थित लिगेंड्स द्वारा चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन भी किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त इस कक्षकीय योगदान को इनमें क्वेंचिंग या शमन भी किया जा सकता है, और इसको हम CFT के आधार पर समझ भी सकते हैं. तो ये जो बात है उसे हम एक बार रिवाइज करेंगे इस लैंग्वेज में कि द ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग द गिवन एक्सिस पजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन सच एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द ऑर्बिटल्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ड्यूरिंग अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अराउंड द एक्सिस. अर्थात यदि समान ऊर्जा स्तर पर हों तो जेड एक्सिस पर 45 डिग्री के घूर्णन से एक dx²-y² कक्षक dxy में परिवर्तित हो सकता है, और यदि dxy कक्षक जेड एक्सिस के प्रति 90 डिग्री का घूर्णन करे तो यह dyz में परिवर्तित किया जा सकता है. मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के अपनी अक्ष के प्रति कक्षकीय कोणीय आघूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षक जिसमें वह इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसके अक्ष के प्रति घूर्णन से वह किसी अन्य समान और समभ्रंश कक्षक में परिवर्तित हो जाए. अब हम इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. लेट अस कंसीडर अ फ्री मेटल आयन इन विच All the d orbitals are degenerate. An electron in dx²-y² orbital will contribute to orbital angular momentum equal to 2 units of h upon 2 pi along z axis. जैसा अभी हमने बात की कि dx²-y² orbital अपने कक्षकीय कोणीय संवेग में 2 units contribute करता है along जेड एक्सिस, क्योंकि जब ये रोटेट करता है तो ये ऑर्बिटल 45 डिग्री रोटेशन के बाद अपने इक्विवेलेंट dxy ऑर्बिटल में परिवर्तित हो जाता है. दैट इज़ अ रोटेशन ऑफ dx²-y² ऑर्बिटल बाय 90 डिग्री अराउंड जेड एक्सिस विल कैरी दिस ऑर्बिटल इनटू dxy ऑर्बिटल 2 times एज शोन इन नेक्स्ट स्लाइड. इसमें आप देखिए dx²-y² ऑर्बिटल जो आपको दिख रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और दूसरा ऑर्बिटल जो हमने शो किया है वो है dxy. हमने ये कहा कि dx²-y² ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो जब 45 डिग्री रोटेट करेगा तो वो dxy में बदल जाएगा, यानी कि 90 डिग्री में वो 2 बार dx²-y² और dxy में अंतर परिवर्तन हो सकता है, यानी कि इसका ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 2 times हो गया अलॉन्ग z एक्सिस, जिसको हम h अपॉन 2π से ज्ञात कर सकते हैं. अब सिमिलरली हम एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन इन dxy ऑर्बिटल विल कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम f2 इन यूनिट्स ऑफ h अपॉन 2π. यही बात हम dxy के लिए भी कह सकते हैं. अब अगर हम तीसरे ऑर्बिटल dxz की बात करें तो हमें क्या मिलता है.
An electron in dxz orbital will have an orbital angular momentum equal to 1 unit of h upon 2 pi along z axis. Because dz square gets transformed into an equivalent dyz orbital by rotating in the dxz orbital around x axis by an angle of 90 degree. अर्थात इसे आप इस तरह से समझिए कि डी जेड स्क्वायर कक्षक का जेड अक्ष पर घूर्णन द्वारा किसी अन्य कक्ष में परिवर्तन नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में यदि उपस्थित है तो उसका कोई कक्षकीय कोणीय आघूर्ण नहीं होगा। लेकिन डी एक्स जेड और डी वाई जेड इन दोनों के लिए जब 45 और 90 डिग्री का रोटेशन हम इनकी एक्सिस पर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये अपने इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में इंटर कन्वर्ट होकर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को अपना रोल देते हैं या अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें हमने स्पिन और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को शो किया है। पहला जो डायग्राम है उसमें स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, वो स्पिनिंग कंट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है। स्पिनिंग कंट्रीब्यूशन में हमने देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिनिंग क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट एंड हैंस अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑर्बिटल स्पिन करता है अपनी ही इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अपने ही ऑर्बिटल में, जबकि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रॉन को एक कक्षक से दूसरे कक्षक तक जाना पड़ता है। तो ये जो दोनों स्थितियां हैं ये जब मिलती हैं तो कुल मैग्नेटिक मोमेंट को पैदा करती हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए उसको समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हमें तभी मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में उपस्थित है वो उस कक्ष की धुरी या एक्सिस के सापेक्ष रोटेट करते हुए किसी दूसरे ऑर्बिटल में इंटर कन्वर्ट हो, जहाँ कंडीशनली उस दूसरे कक्षक की शेप, साइज और एनर्जी उसके समान होगी। उस स्थिति में उसका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मोमेंट को मिलेगा। इन सम केसेस देयर मे बी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। इन सच केसेस वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगेन हम यहाँ एक इक्वेशन के रूप में इस कंट्रीब्यूशन को क्लियर कर लेते हैं, जहाँ म्यू इफेक्टिव का मान होता है म्यू एस यानी कि स्पिन ओनली 1 माइनस अल्फा लैम्डा अपॉन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये इक्वेशन एक सिंपल कॉन्ट्रीब्यूटरी इक्वेशन है जिसमें हमने स्पिन और ऑर्बिटल मोमेंट को रिलेट किया है। यहाँ लेमडा है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड टर्म, डेल्टा हम जानते हैं सीएफएसए की वैल्यू होती है फॉर ऑक्टाहेड्रल, और ये इक्वेशन यदि एलएस कपलिंग वीक हो तो बदल जाती है म्यू इफेक्टिव इक्वल्स टू रूट 4s s+1, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो इस तरह से हम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ एक बात बताना मैं आपको और ज़रूरी समझती हूँ कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं उनमें चूँकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में होते हैं और ये 5d, 6s और 6p के द्वारा ढके रहते हैं, इसलिए इन 4f इलेक्ट्रॉन्स की कक्षकीय गति के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है वो उदासीन नहीं हो पाता। इसलिए इनके चुंबकीय आघूर्णों में इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण के साथ साथ कक्षकीय गति का योगदान भी बहुत होता है। तो ये मुझे लगता है आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाए होंगे। एक बार आप इसे जब रिवाइज करके सुनेंगे तो आप ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए थैंक्स।